तीन दिवसीय भ्रमण पर सचिव स्वास्थ्य सचिव यात्रा डॉक्टर आर राजेश कुमार जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोपगढ़ नरकोटा में स्लाइडिंग जोन में का निरीक्षण किया। इन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। उसके बाद सचिव स्वास्थ्य ने जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं का बारीकी से निरीक्षण करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी ली। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है, वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार ने प्रभारी सचिव नियुक्त किया है। इस दौरान सड़क मार्ग, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल आपूर्ति, खाद्य सामग्री सहित हेली सेवाओं, घोड़े खच्चरों, बिजली, साफ सफाई आदि जरूरी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण भी करेंगे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। का प्रभारी बनाया गया है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में रहें, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ समन्वय स्थापित करें, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से अगर स्टेट लेवल पे विभागों के साथ कहीं पे भी दिक्कत आती है तो समन्वय स्थापित करें। इसी के मद्देनज़र मेरे द्वारा ये तीन दिन का जो रुद्रप्रयाग का भ्रमण है वो प्रस्तावित किया गया है, और इसमें स्वास्थ्य सचिव होने के साथ साथ जो बिजली, पानी इत्यादि की जो मूल समस्याएं हैं, अगर चारधाम यात्रा के दौरान कोई ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मेरे द्वारा संबंधित शासन में जो सचिव हैं रेस्पेक्टिव, उनको भी अवगत कराया जाएगा और इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। सर, देखिए, इस बार जैसे आपको विदित है नंबर्स अनप्रेसिडेंटेड हैं, और कहीं कार मैं पढ़ भी रहा था कि लगभग जो पिछले बार जो यात्रीगण आए थे उससे लगभग 60 से भी ज़्यादा प्रतिशत की वृद्धि हुई है यात्रीगणों की संख्या में। तो निश्चित तौर पे एक चैलेंज है, बट इस चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम लोग अपना बेस्ट फेस प्रेजेंट करें, और यात्री के लिए जो यात्रा है चार धाम में जो विजिट कर रहे हैं उनके लिए ये पूरा जो प्रोसेस है स्मूथ रहे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमने भी वार्तालाप किया है, एक वाइडर मीटिंग करेंगे DM साहब और SSP साहब के साथ।